चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। बीजेपी की जो नीतियां किसान विरोधी हैं, किसान इस जो जो चुनाव है जिसमें बीजेपी वोट नहीं कर सकता। पिछली बार आपने 2014 में कहाँ वोट किया था? बीजेपी को दिया था। और अब की बार आप कहाँ, आप गठबंधन में? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चलचित्र अभियान में। और आज हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा सीट पर, ग्राम लिसाड़ में, जो जिला शामली में पड़ता है। और यहां से, गांव लिसाड़ से, आइए जानते हैं क्या लोगों का अब की बार रुझान है और क्या लोग चाह रहे हैं, कि किन मुद्दों को लेकर यहां के किसान, यहां के मजदूर वोट करने वाले हैं। 2013 के बाद एक खाई जो नज़र आ रही थी कि हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन उसके बाद फिर जब लोगों को समझ आया और धीरे धीरे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं, अभी तक आपको क्या लगता है कहाँ तक वो दीवार टूटी है? अभी इस बार लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, इसमें सारा पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। अब हाँ, ये एकता हुई हिंदू मुस्लिम की और 2013 के बाद में इसको नकार दिया, क्योंकि ठोकर लग कर ही आदमी समझेगा। वो दिक्कत आई है बीच में, दंगा हुआ 13 में, बताऊँ यहाँ से बहुत मुकदमे जो है ना, हमारे जो ये भाई थे उन्होंने सब ने मिलजुल के वो उठवाए ही हैं। अब थोड़े बच रहे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपसी समझौता हमारा इनका, वो हमारे पास आवे, हम उनके पास जाऊँ, हमारा दिल जो है उनके साथ ऐसा ही लगा हुआ है, उनसे बगल नहीं जा रहे हम बिल्कुल। और चाहे वो कहीं भी चले जाइए, वो हमारे पास आवे मिलने के नाम पर। नहीं, जैसे बताओ राम मंदिर मुद्दा है, आप बताओ वहाँ जी, अब ये उसे ले लें, जब इलेक्शन आवेगा तब उसकी शुरुआत कर दें, होना जाना कुछ है नहीं, इलेक्शन में आने वाले में उसका जवाब मिल जाएगा, वोट से ही मिल जाएगा। अब उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा गठबंधन का, और इसकी हिंदू मुस्लिम की आपस में जो वो हो रहा था, तनाव हो रहा था, वो ख़त्म होने की बात सामने आ गई। कोई हिंदू की ठहरा, कोई मुस्लिम की ठहरा, पब्लिक को मरवा देगा आप, वे कौन सा देखे, एक भी ना खिलेगा जब कोई सा नेता भी, जब बंदूक चला देगा थप्पड़ पीट देगी पब्लिक, बस उनकी तो कानून है, ठीक है भैया बना रखी, अंदर के कुछ लगता ही नहीं, जनता मरो यार। यहाँ से अपना घर तो थम नहीं रहा, पाकिस्तान की और भाई और चीन लोग की बात ठहर रखी, बता हमें कि वहीं से अपना एक प्रदेश भी नहीं थम रहा एक नेता थे, और तो लोग की बात करें, हम लोग के जाने वाले आदमी। अब एक ये भी चल रहा है कि सब लोग उसमें बोल रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार के होते हुए भी हमले हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग समझते हैं और जनता इन पर कितना समझती है कि ये चीज़ें किस तरह से फैलाई जा रही है? जब चौकीदार फैला पहले पर फिर भी चोरी हो रही तो चौकीदार को हटा दो। हाँ, वो चौकीदार का ही घर है, वो उसका भी नहीं पहरा दे सकता, हूँ तो कहे चौकीदार हूँ मैं, पर फाइल लग रही है घूमोड़, रोज हमले लग रहे हैं, रोज सैनिक लग रहे हैं मरण, बहुत बच्चे शहीद हो रहे हैं, जवान बहुत शहीद हो रहे हैं। भाजपा की सरकार आई जी भी जवान मरे, पर किसान के लिए तो या कुछ है ही नहीं। यहाँ के किसानों के सामने क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर किसान वोट करने वाला है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या दो है, एक तो है ये गन्ने, इसका पेमेंट नहीं, और दूसरी जो फसल आगे बो रखी गेहूँ की, उसे ये खान लग रही डांगर। रात में पूरी रात अगर आपको दिखा मैं कितने आदमी खेत में रहे इन्हीं के नाम पे, गाय के नाम पर बड़ी बड़ी गौशालाएं बन रही है क्या, लेकिन अब भी हाँ घूम रहे, बनी तो, लेकिन नाम चेहरे की बनी, बना कोई नहीं रहा अभी। आप कह रहे थे शायद खाद पे भी कीमत बढ़ गई है और बीज पर भी कीमत बढ़ी है, तो क्या सरकार ने इस कीमत को और किसान की मेहनत को, उसकी जो आय है उसके हिसाब से क्या मेंटेन किया है कुछ, कि अभी बात हो रही थी कि अभी वजन भी घटा दिया है खाद का और बीज का, और ये निजीकरण करने का क्या मकसद है सरकार का? और सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी है सरकार की है, लूटना है किसानों को, लूटना बुरी तरीके से लूट रही है किसानों को। 600 लाख की बिजली अजी, ऐसा है किसान जो है ना, तो वो चाहता अपना कर्ज माफ करना, सरकार किसानों को इतना मजबूत बना दे कि सरकार उनको पैसा दे,
सरकार को जो है सर आप डाई का कट्टा देख लो, डाई का कट्टा जो है इसी महीने में कितना तेज हो गया पिछले एक साल से ही, यूरिया पे घटती कर दी, 5 किलो का कट्टा कम कर दिया, तो किसान तो पिस रहा पूरी तरीके से। वो किसानों की परेशानी जो है ये सरकार नहीं हटा सकती, ये नहीं हटा सकती, जैसे ये योगी जी बैठे ये तो हटा भी नहीं कुकर, इन्हें पता ही नहीं यहाँ का। वो कह रहे थे अभी कहाँ आ रहे थे, ये नज़दीक मेरठ का, वो कह रहे थे गन्ने का पेमेंट जा चुका सब, अब कोई पूछने वाला नहीं सीएम से, ये तो पूछने की भी आदमी को सोचना चाहिए भाई कहाँ आ गया पेमेंट, किसका आ गया बताओ, उन्हें पता सब अब पेमेंट आ गया, उन्हें नोट भी नहीं पता अब पेमेंट आया नहीं, जाने का तो पता, अब सोचो आप देखो सोच कर। तो पेपर में जितने भी वादे हो सब झूठे हो, सच्चा नहीं होता एक भी। मैं कह रहा था कि कैसे मतलब नोटबंदी भी हुआ और GST भी आया, तो किसानों को कितनी दिक्कत हुई उस दौरान उस दौर में, कि किसानों को यही नहीं था कि पीड़ा उन्होंने तो पहले कर लिया था रहा बड़ा उनका दौरा था, दिक्कत जो कुछ ही नहीं हुई, गरीब गुरबा थे, 2000 रुपये थे वह माफ फंस गए सब्जी में। तो पिछली बार आपने 2014 में कहाँ वोट किया था? बीजेपी को दिया था। और अब की बार आप कहाँ, आप गठबंधन में थे, क्या वजह उसकी क्या है? वजह तो यह है कि इस सरकार ने जो है हम छकाए दी, छक लिए भूख समार को, इसलिए जो है इनके खिलाफ वोट देंगे। किसानों में ही है और बाकी लोग जो गांव में होते हैं क्या उनमें क्या रुझान है, बाकी गांव का माहौल क्या है? माहौल तो बस वही है, इसके इनके साथ है बहुत, यानी जो है जैसे गठबंधन वाली बात है, जो आदमी कहे अगर किसी को वोट देने का भी विचार किया है तो यही कहता है कि भाई गठबंधन है, हम तो उनके साथ ही जा रहे हैं, बस उसके साथ बंधे हुए हैं। अब जो वो हमें दे रहे हैं वोट तो हम उन्हें देंगे, तो हमें बदला है जी, और उन्हें जो है वो दिखाना, ये भी कुछ है गठबंधन में जिताना, इसलिए है अकेली सरकार कोई हो मामले में ही हो, अगर मेरे में फुल पावर है जो कर दूंगा मैं, दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर गठबंधन की सरकार आती है कि एक तो फिर जो है मिलजुल के समाधान होगा। बीजेपी की जो नीति है किसान विरोधी है, किसान इस जो जो चुनाव है जिसमें बीजेपी वोट नहीं कर सकता। जब विपक्ष तकड़ा होगा वो सरकार जो है वो घिरी रहेगी अपने हिसाब से नहीं करने की बात, और जब विपक्ष कमजोर होगा तो वो अपनी मनमानी करेगा। सोच रहे गठबंधन को वोट दे के और भाई इनके झूठ फूट तूफान बोल रहे भाई, इनके आगे आ जाएगा अकबर, तुमने पब्लिक के लिए कुछ करा नहीं, झूठ बोल रहे थे तो मैं पब्लिक ने सबक दे दिया।